This program is sponsored by Brijlal Hospital and Research Center Private Limited. अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आनंदी टॉवर, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड. नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित. बिहार और उत्तर प्रदेश के शेल्टर होम कांड में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला अभी पूरे देश में जोरों पर है. वहीं अब उत्तराखंड के सितारगंज जेल में एक महिला ने जेलर और उनके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. दरअसल साल 2003 में पीड़ित महिला के भाई के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होने पर उसे भी हल्द्वानी जेल भेज दिया गया था. हल्द्वानी जेल में उस समय डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत और वर्तमान में संपूर्णानंद जेल के अधीक्षक ने उसे कार्यालय बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं कुछ दिन बाद महिला जमानत पर रिहा हो गई, लेकिन यौन शोषण का खेल जारी रहा. यहां तक कि जेलर महिला के घर में जाकर उसे धमकी देता था. फिलहाल खटीमा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुष्कर्म मामले में संपूर्णानंद जेल के अधीक्षक, जेलर और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ सितारगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं. अब बड़ा सवाल उठता है कि जेल में बंद महिला कैदियों के साथ यौन उत्पीड़न क्यों? देश के अलग अलग बालिका गृहों से यौन शोषण के मामलों ने महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बाल गृह के बाद उत्तराखंड की जेलों में भी कैदी महिलाओं की सुरक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं. एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे. जेल का महापाप, सितारगंज जेल में महापाप का खेल. कैदी महिला के साथ जेलर करता था दुष्कर्म. महिला को दी जाती थी मारपीट की धमकी. आरोपी जेलर और आला अधिकारियों पर उठे सवाल. उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद की सितारगंज जेल में एक महिला ने जेलर पर अपने साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला ने आरोपों में बताया कि हल्द्वानी जेल में उसके साथ यौन शोषण का सिलसिला शुरू हुआ था जब आरोपी जेलर उसी जेल में तैनात था और पीड़ित महिला दहेज उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद थी. उसके साथ यौन शोषण का ये सिलसिला सितारगंज तक चलता रहा. वहीं पीड़ित महिला के मुताबिक उसके इनकार करने पर उसे डराया और धमकाया जाता रहा. वर्ष 2003 में मेरे भैया के खिलाफ दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें मेरे को भी सब जेल हल्द्वानी जाना पड़ा था. इस समय टीडी जोशी डिप्टी जेलर थे हल्द्वानी में. तो मैं जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे रहना पड़ा था. तो इन लोगों ने जब मुझे देखा वहाँ पे, तो कुछ दिन बाद ही ये लोग मेरे से अश्लील मजाक और छेड़छाड़ शुरू करने लग गए. टीडी जोशी मुझे धमकाता भी था और मैं जब विरोध करती तो वो मुझसे कहते कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं वहाँ पे खूंखार कैदी है जो हमारे यहाँ पे, तो इनके हवाले तुम्हें कर दूंगा. तो मैं डर जाती. फिर कुछ दिन बाद लगातार ऐसे ही मेरे साथ अश्लील छेड़छाड़ का हरकतें और मेरे स्तनों को दबाना और परेशान करना, इस तरीके का हरकत करते. और मैं जैसे विरोध करती हूँ उसमें बुलाया, ऑफिस में बुलाया और इन्होंने मेरे साथ दुराचार किया. यहाँ तक कि पीड़ित महिला ने और चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि जेल में लगभग सभी महिलाओं के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाता है और खूंखार कैदियों का डर और मारपीट की धमकी देकर महिलाओं का मुंह बंद कर दिया जाता है.
वहीं पीड़ित महिला की मासूम बच्ची ने भी इस घटना को कबूला है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम किसी कैद करोगे मेरे खिलाफ तो मैं खूंखार कैदी जो है हमारे जेल में वहाँ पे मुझे ले गए, उनको दिखाया, बहुत ही खूंखार कैदी थे, तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि इनके हवाले तुम्हें कर दूंगा, ये तुम्हें नोच के खा जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर मैं डर गई, फिर मैं उनकी हरकतें बर्दाश्त करती रही। इसी बीच मैं जमानत पर रिहा हो गई। ओके, फिर एक आदमी को हमारे पास बैठा के और गन दिखाते थे कि अगर तुम लोग चिल्लाए या फिर ये बात किसी को बताया कि हम लोग आए थे तो तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारी मम्मी को भी जान से मार देंगे, और मम्मी को दूसरे कमरे में लेके चले जाते थे। अब क्या धमकियां मिल रही हैं, कब से स्कूल पढ़ने नहीं गए हो? पीड़ित महिला के अधिवक्ता निहार रंजन ने बताया कि महिला एक एनजीओ के माध्यम से सितारगंज जेल में वृक्षारोपण आदि के कार्य करती थी। टीडी जोशी जब सितारगंज जेल पहुंचा तो उसने फिर से महिला का यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया। जो प्रोसिक्यूटर्स है ये 2004 में जेल में आई थी अपने भाई के साथ 304B में। उस दौरान इसकी जो है जेल अधीक्षक थे टीडी जोशी जी, जिन्होंने इसके साथ जो है कुछ छेड़खानी की, तथा जब वो जेल से छूट के आई एनजीओ के माध्यम से ये जो है जेल में जो है पेड़ लगाना, बच्चों के स्कूल के ड्रेस बनवाना, ये कार्य जो है सितारगंज में कर रही थी। इस दौरान जो है टीडी जोशी का ट्रांसफ़र हो गया सितारगंज में संपूर्णानंद जेल में। वहाँ पर इसने प्रोसिक्यूटर्स को देखा तो इसके साथ जो है इन्होंने जो है इन तीन जने थे और टीडी जोशी, जयंत पांगती और एक राकेश मेट, जिन्होंने इसके साथ जो है यौन उत्पीड़न किया। पूरे घटनाक्रम में जब हमारे संवाददाता की ओर से इस मामले में आरोपी जेलर और पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कैमरे पर आने से ही इनकार कर दिया, जो अपने आप में इस मामले में महिला के आरोपों को पुख्ता करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस का मामला दर्ज न करना मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। न्यूज इंडिया के लिए ऊधम सिंह नगर से चंद्र प्रकाश गंगवार की रिपोर्ट। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा का क्या कहना है। ये माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत 156(3) में ये मुकदमा एक पंजीकृत हुआ है, जिसमें जेल के कतिपय कर्मचारियों के खिलाफ में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप एक लेडी के द्वारा लगाया गया था, तो उसमें उचित धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है। फिलहाल उसमें विवेचना की जा रही, विवेचना के उपरांत जो सही होगा उस आपकी कार्रवाई की जाएगी। देखिए बेसिकली ये बात नहीं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिर वास्तव में मामला क्या था, क्योंकि कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ उसी दौरान उससे पहले ही एक एप्लीकेशन यहाँ ऑफिस में भी आई थी, तो उसकी जाँच चलनी थी, उसी दौरान कोर्ट से आदेश भी हो गए थे, तो जो सच्चाई उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो ये हकीकत है उत्तराखंड की जेलों की, ये तो एक तस्वीर है, पूरी कहानी तो तब खुलेगी जब पुलिस जांच होगी, इस पर उच्च स्तरीय जांच होगी और क्या तस्वीरें और उभर कर सामने आती हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुद्रपुर से चंद्र प्रकाश गंगवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश, क्या कुछ कहानी है ये, और अब इतने सालों बाद पुलिस की नींद कैसे टूटी, क्योंकि कितने सालों से ही पीड़िता गुहार लगा रही थी न्याय के लिए, लेकिन किसी भी अधिकारी किसी भी शासन प्रशासन के कान तक जू नहीं रहेगी। जी भानु, ये इस मामले की शुरुआत तो सन 2003 में हो गई थी, जब पीड़ित महिला अपने भाई के साथ, भाई के ऊपर एक दहेज हत्या का मामला था, उसमें हल्द्वानी जेल गई थी। वहां इस महिला के साथ अश्लील हरकतें और यौन उत्पीड़न जेलर द्वारा किया गया, जैसा कि इस महिला ने बताया है, और उसके बाद वो जमानत पर रिहा हो गई। जमानत पर रिहा होने के बाद वो चूंकि सितारगंज की थी, सितारगंज वापस आ गई और यहाँ अपना जीवन यापन करने लगी। वो यहाँ संपूर्णानंद जेल में एक एनजीओ के माध्यम से कुछ कार्य किया करती थी, वृक्षारोपण वगैरह के। हुआ ये कि 2016 में जेलर टीडी जोशी भी संपूर्णानंद जेल में ट्रांसफर होके आ गए, और जब इन्होंने देखा उस महिला को ये मिले, तो दोबारा से जो सिलसिला वहां हल्द्वानी जेल में उसके साथ इन्होंने कर रखा था, उसकी शुरुआत कर दी। जी
लेकिन अब इस पूरे मामले में अधिकारी शासन प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं, वो आरोपी जेलर अभी भी खुलेआम घूम रहा है, कब उसकी गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का इस पूरे मामले में, कब तक कार्रवाई हो पाएगी? मानू, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आदेश हुए थे 156 तीन में न्यायालय द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत करने के जी, 28 तारीख से लेकर अब तक मुकदमा पंजीकृत ही नहीं हुआ। अभी पिछले 2-3 दिनों से जब हमने पुलिस के आला अधिकारियों को, SSP, एडिशनल SP, इन सबको, इनसे जब हम लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किए, तो ये लोग कैमरे के सामने आने से और कुछ भी बोलने से बचते रहे, और अब अचानक एकदम मुकदमा मीडिया के दबाव में आकर पंजीकृत किया गया जी। जबकि इससे पहले लगातार न्यायालय में 156-3 में जाने से पहले भी महिला पहले पुलिस अधिकारियों के पास ही गई थी, स्थानीय कोतवाली से लेके पुलिस के आला अधिकारियों को उसने लगातार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी के द्वारा उसको उसकी उसका पक्ष नहीं सुना गया। जबकि फिर 156-3 में कार्रवाई होने के बाद भी अब लगभग 14-15 दिन बाद दबाव में आकर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। चंद्र प्रकाश, चलिए ये तो एक मामला रहा, एक महिला का मामला रहा, लेकिन इन्होंने ही आरोप लगाए हैं कि जेल में महिलाओं के साथ अमानवीयता होती है, उनके साथ यौन शोषण होता है, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव होता है जो बयान नहीं किया जा सकता, उसको लेकर अब क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, क्या इसके लिए कोई जांच बैठाई जाएगी या इस पर कब तक कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में महिला की गुहार नहीं सुनी, जिस तरीके से पुलिस ने इस महिला के पक्ष को सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, मुकदमा पंजीकृत करने में भी हीला हवाली की जी। उस तरह से तो ऐसा लगता है कि अगर इसकी जांच पुलिस के द्वारा कराई जाती है तो जांच भी शायद ही ठीक से हो पाए। अगर इसकी जांच किसी बड़ी एजेंसी के द्वारा कराई जाती है तभी जांच में कुछ सही चीजें सामने आ सकती हैं। जबकि इस महिला ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि वहां और भी महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है और उनको कुख्यात खतरनाक कैदियों का डर दिखाकर, उनको मारपीट की धमकी देकर चुप रखा जाता है, शिकायत नहीं करने दी जाती है। चंद्र प्रकाश, ये बेहद गंभीर मामला है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जेल में बंद महिला कैदियों की सुरक्षा को लेकर ये काफी बड़ा मामला है, क्योंकि इतने सालों से जब पुलिस ने, प्रशासन ने एक महिला की गुहार नहीं सुनी तो अन्य महिलाओं के साथ क्या होता होगा, कम से कम एक महिला तो अपने लिए लड़ने के लिए सामने आई, कोई तो खड़ा हुआ जो प्रशासन के खिलाफ बोल सके, प्रशासन के खिलाफ कदम उठा सके, उसके मामले में भी इतनी हीला हवाली, इतनी देरी, और जैसा कि आपने कहा कि अगर पुलिस ही इसकी जांच करती है तो जाहिर है मामले की सच्चाई कभी बाहर नहीं आ सकती, तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या सरकार के कानों तक ये खबर पहुंच चुकी है, क्या सरकार के माननीय सरकार के मंत्री विधायक इस पर कोई कदम या एक्शन ले रहे हैं? मानू, चूंकि मामला जेल के अधीक्षक से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस मामले को पूरी तरीके से अब तक दबाने का, इसको बिल्कुल शांत रखने का प्रयास किया गया, ये निकल ही ना पाए, ये बात फैल ही ना पाए, ऐसे प्रयास किए गए। क्योंकि अब इस मामले को इस मामले को हम लोगों के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा उठाया गया, तो अब संभव है कि सरकार कहीं चेते और इसमें कुछ उचित कार्यवाही, कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी करे। चंद्र प्रकाश, ये पिछली सरकार और वर्तमान सरकार दोनों पर ही एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि क्यों जेल में महिला कैदियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, क्यों उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ अमिता जी जुड़ गई हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं महिला आयोग की। अमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी, अमिता लोहानी जी, एक महिला आकर इतना बड़ा, इतना गंभीर आरोप लगाती है कि उसके साथ कई वर्षों से यौन शोषण होता रहा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बच्चों बच्चियों के सामने दुष्कर्म हुआ, इतना ही नहीं वो न सिर्फ अपने बारे में बताती है बल्कि जेल में जो महिला कैदियों के साथ जो भी बर्ताव होता है, जो भी अमानवीयता होती है, यौनाचार होता है, यौन शोषण होता है, उसका भी खुलासा करती है, लेकिन न सरकार जागती है, ना पिछली ही, ना वर्तमान सरकार, और आखिर में मीडिया के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन को कदम उठाना पड़ता है। कितना गंभीर मानती हैं आप इसे? हेलो जी, इसमें
हेलो जी जी अमिता जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी जी, इसमें ऐसा है, इसमें जो वहाँ के अधिकारी लोग हैं और इसमें लापरवाही तो हुई है जी। और लापरवाही के साथ जो अधिकारी लोग इसमें लिप्त हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लापरवाही नहीं अमिता जी, घोर लापरवाही हुई है। बिल्कुल घोर, बिल्कुल मैं इस बात को मान रही हूँ, बिल्कुल बहुत घोर लापरवाही हुई है। और जी अमिता लोहानी जी, आपको आपको रोकना चाहेंगे, आप बनी रहिए हमारे साथ। हमारे साथ वो पीड़ित महिला खुद जुड़ गई हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं क्या कुछ अब तक उन्होंने सहा है। जी मैडम, क्या आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, अब जाकर आपके मामले में केस दर्ज करने के आदेश निर्देश दिए गए हैं अभी तो फिलहाल, लेकिन अब तक आपने कहां कहां गुहार लगाई, किन किन अधिकारियों की चौखट पर एड़ियां रंगड़ी, अपनी आप बीती आप खुद ही बताइए। सर मैं 2003 में मेरे भाई के खिलाफ दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था जी, जिसमें मुझे भी सब जेल हल्द्वानी जाना पड़ा था जी। तो उस समय हल्द्वानी में टीडी जोशी डिप्टी जेलर थे, और जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी, मेरे मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर उन्होंने मेरे साथ बहुत दुराचार किया। पहले उन्होंने देखा मुझे, मेरे साथ अश्लील बातें और मेरे साथ छेड़छाड़, और मेरे किससे ऐसी, जब भी मैं उनके पास जाती थी, जब वो मुझे बुलाते थे तो ऐसे ही मेरे साथ दुराचार करते थे। लेकिन मैंने उस समय मैं शिकायत दर्ज करने की बात की तो इन्होंने मुझे डराया धमकाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो जितने भी कैदी लोग हैं और इन खूंखार कैदी है, इनके हवाले तो मैं कर दूंगा अगर तुम किसी मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत किसी से भी की। जी जी मैडम, ये हम आपकी कहानी बता चुके हैं, पूरी पूरा मामला हमारे पास आ चुका है, हमने दर्शकों को भी दिखा दिया है। अब हम इसमें जानना चाहते हैं कि आपने कब से इसके खिलाफ आवाज उठाई और क्यों अधिकारियों ने आपकी आवाज नहीं सुनी, और इतने साल बाद अब जब प्रशासन की नींद टूटी है तो आप क्या चाह रही हैं? मैं 2 महीने हो गए इसके लिए मैं गुहार लगा रही हूँ कि मेरे साथ न्याय कीजिए, और मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ थाने में और एसएसपी जी को, एसपी और डीजीपी देहरादून और डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी को, महोदय जी को, आईजी जेल, उनके उनको मैंने पत्र भी भेजा, और लेकिन उन्होंने मेरी कोर्ट भी, जो भी मेरा मेरे मामले में जो भी मैं परेशान थी कुछ भी था, लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई नहीं, मेरी कार्रवाई हुई नहीं, ना मेरी कोई सुनवाई हुई जी। यानी कि सरकार ने ही आपकी नहीं सुनी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं माननीय हैं वही आपकी नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे हैं। और इन्होंने मुझे जैसा कि आपने बताया है अपनी आप बीती में पहले भी कि जेल में और भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वो मामला क्या है? सर जेल में और भी पीड़ित महिलाएं हैं जो अपने किसी भी काम से वो जेल जाती है, अगर अपराधी होते हैं, नहीं भी होते हैं, किसी भी कारण वो उनको जाना पड़ता है, तो जमानत पे जब तक रिहा नहीं होती तो उनके साथ बहुत ही दुराचार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है उनके साथ, उनको गरीबी, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए तो वहाँ पे सर बहुत ही मतलब जब पैसे अगर वहाँ जमा करेंगे तो उनके साथ थोड़ा उनको अच्छे से रखा जाता है, अगर जो उनके उनके लिए कोई पैसे जमा नहीं होते हैं तो वो उन पे बहुत अत्याचार करते हैं और उनसे सारा काम कराते हैं और काम भी कराते हैं और वहाँ साफ सफाई जो भी है और गंदगी साफ करवाते हैं उनसे, और जब उनको जब उनका मन होता है अधिकारी जो भी उन वहाँ के कर्मचारी है तो उनको ले जाते हैं और उनके साथ दुराचार करते हैं। यानी कि जेल में महिला कैदी सुरक्षित नहीं है? कहीं तक भी जेल में जो महिला कैदी है वो सुरक्षित नहीं है, जब मर्जी उनको कर्मचारी ले जाते हैं, और अगर उनको अगर शिकायत दर्ज करने की बात आती है उनको इतना डराया जाता है कि वो किसी के सामने मुंह खोलने लायक होती नहीं, क्योंकि उनको रहना जेल में ही है और बाहर का कोई बंदा जेल के अंदर आता नहीं है, इसलिए वो बहुत परेशान होते हैं और वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बाद में भी वही किसी को शिकायत करेंगे भी तो बाद में उनको रहना तो जेल में ही है, क्योंकि जब तक जमानत नहीं होगी तो वो रिहा नहीं हो पाएंगे। जी जरूर जरूर मैडम। अमिता लोहानी जी, तो सुना आपने किस तरह उन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी है और जेल की हकीकत सामने ला दी है। उत्तराखंड में सरकार भी नहीं सुन रही महिलाओं की, एक महिला अपनी आप बीती लेकर सरकार के मंत्रियों के पास जाती है लेकिन ना कोई जवाब मिलता है और ना ही कोई आश्वासन। बहुत बड़ा दुख का विषय है, अगर एक महिला अपनी आप बीती सुनाती है और उसके बावजूद भी उसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग मैटर है ये। और इसमें मैं अभी चितारगंज जाकर इस पीड़ित महिला से मैं मिलूंगी और मिलने के बाद इसको मैं पूरा न्याय दिलाऊंगी। हेलो जी जी हाँ, मैं इसको पूरा न्याय दिलाऊंगी, और अगर
इसमें कोई भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया गया तो उसको मैं पूरी तरीके से कड़ी सजा मैं इस अधिकारियों को मैं जरूर दिलवाऊंगी, चाहे ये कैसे भी इस पीड़ित महिला को मेरे को सजा दिलवानी, मैं इसमें इसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलूंगी, ये मेरा महिला से मेरा वायदा है और मेरा विश्वास है। और मैं माननीय उत्तराखंड के सीएम साहब से भी मैं इस बारे में चर्चा करूंगी और इस बारे में इस मैटर के बारे में उनको उनके संज्ञान में डालूंगी और ये पूछूंगी कि जी 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 जरूर आपका तो मैडम सुना आपने महिला पूर्व उपाध्यक्ष हैं महिला आयोग की अमिता लोहानी जी, जिनका बराबर आपको साथ मिलेगा और वो आपके साथ हैं और आपकी बात ऊपर तक भी पहुंचाएंगी। अब आपको एक अपडेट दे दें कि जब हमने जेलर से बात करनी चाही तो उन्होंने अपना फोन ही ऑफ कर लिया है, यानी कि अब जेलर भी इस पूरे मामले पर बचते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। बात करने के लिए हमारी तरफ से फोन किया गया था न्यूज इंडिया की तरफ से, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम की इस चर्चा में इतना ही, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे और आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड की जेलों में जो भी कुछ हो रहा है वो इस महिला की कहानी से सामने आ गया है, महिला ने पूरी कहानी अपनी जुबानी बताई, साथ ही साथ ये भी बताया कि जेलों में अन्य महिला कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।